हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऐसा करते हुए आप लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ खाना। तो हरी मिर्ची जो कट करके रख ली हूँ, इसको ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो कढ़ी बनाऊँगी आज, और थोड़ी सी धनिया पत्ती रखी तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि 4-5 दिन की हो गई थी, थोड़ी सी मुझे अजीब लग रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, इसलिए इसको जो है मिर्ची डाल दी उसी में, और 2-3 लहसुन की कलियाँ इसको डाल के अच्छे से नमक पीस लेंगे, ताकि जो है वो हो जाएगा उसके लिए, कढ़ी के लिए हो जाएगा। आज मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ खाने में, काफ़ी दिन बाद कढ़ी बना रही हूँ। सो आज मैं बैंगन और टमाटर की कढ़ी बनाऊंगी। और पता है, ध्यान भूल गई, वैसे मेरे पास बूंदी रखी हुई थी, बूंदी की कढ़ी बना लेती तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन भूल गई कि मेरे पास थी, तो फिर मैंने बैंगन और टमाटर वाली ही बना ली। वैसे हम लोगों को बैंगन और टमाटर की कढ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर सारा का सारा सामान ले लूँगी, और थोड़ा सा ऑयल डाल के मिर्ची फ्राई कर लूँगी। इसके बाद उसमें नमक वगैरह ऐड कर दूँगी, और साथ ही मैं कढ़ी भी छोक दूँगी। तो लोटे में दही रखा था, फ्रिज में रख दिया था मैंने, तो थोड़ा ज़्यादा है, इतनी कढ़ी हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि वो है दीदी खाती नहीं है, पतिदेव भी बहुत ही कम खाते हैं, उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं है, और हमारे यहाँ खाने में मिर्ची डलती नहीं है, क्योंकि पतिदेव और दीदी ज़्यादा तीखा नहीं खाती है। मैं और भैया तो तीखा खा लेते हैं, और साथ में सुबह में आलू बॉयल किए थे तो उनको निकाल के रख लिया है, कि अगर जो है अदिति को कढ़ी नहीं खानी हुई तो फिर वो कढ़ी खा लेगी, आलू के भरते के साथ में खा लेगी। और यहाँ पे साथ के साथ में जो मुझे थोड़ा बहुत सामान चाहिए, क्योंकि खाना बनाते टाइम काफ़ी ज़्यादा सामान चाहिए होता है, तो बस वो ही सारा इकट्ठा कर लूँगी। वैसे कौन ऐसा तो है नहीं है कि हमारा सारा सामान एक ही जगह है, कुछ यहाँ है कुछ वहाँ है, तो सब उठा उठा के रखते जाना होता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही एक्स्ट्रा था तो उसको निकाल के रख दिया है, और इसी लोटे में मैं बेसन डाल के अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। और बेसन जब हमारा जो है हम पिसवा के लाते हैं तो चने की दाल को, तभी हम लोग जो है इसको छान के और डिब्बे में भर के रख देते हैं। और यहाँ पे मिर्ची डाल दी थी तो मिर्ची अच्छे से भुन जाएगी, और फिर इसी में हम वो कर लेंगे, ताकि पतिदेव को भी तीखा ना लगे, मिर्ची हम अपनी अलग से ऊपर से खा लेंगे, हमारा भी मन बन जाएगा और उनका भी बन जाएगा। तो एक पंथ दो काज कर लेंगे हम लोग, तो ऐसे ही करेंगे। और यहाँ पे मिर्ची हमारी फ्राई हो चुकी है, तो बस वो कर लेंगे। मिर्ची के बाद सारा हमने मसाला डाल दिया है, बैंगन और टमाटर, तो इसको भी कर लेंगे। और इसके बाद जो बेसन घोल के रखा है उसको डाल देंगे। तो बस कढ़ी हम आज सिंपल सी बनाने वाले हैं, कुछ भी उसमें ज़्यादा ऐड नहीं करने वाले हैं। और बस हमारा बैगन वगैरह हो गया है, तो आज सिंपल सा खाना बनेगा, बहुत ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं बनेगा, यानी कि सब्ज़ी वगैरह ही बनेगी। और बस सब्ज़ी के लिए तो आलू रखे ही हैं, तो उसका जो है चोखा हो जाएगा, जैसे हम लोगों के यहाँ भरता बोलते हैं बुंदेलखंडी भाषा में, तो बस वो हो जाएगा। और यहाँ पे हमने बेसन में कढ़ी दही में बेसन फेंट लिया है, बेसन में दही नहीं, तो कुछ भी बोल रही हूँ पता नहीं। बस यहाँ पे हमारा बैगन और टमाटर हो चुका है, तो दही भी डाल देंगे, जितना हमें पानी चाहिए होगा उतना वो भी डाल देंगे, क्योंकि आज बहुत कम ही बनाई जाएगी। हर बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा बन जाती है तो फिर हमें जो है गाय को डालनी पड़ती है, इतना ज़्यादा तो है नहीं है, बेसन भी फालतू बर्बाद होता है, गैस सारा कुछ बर्बाद होता है। तो आज मैंने सोचा चलो ठीक है, कम ही बनाते हैं, ताकि ठीक ठाक से हम लोगों के लिए हो जाए। तो यहाँ पे देखो कड़ी हो डाल वो कर दिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे मिर्ची वगैरह पीस लूँगी, मिर्ची और धनिया पत्ती लहसुन, जैसे मैं बता ही चुकी हूँ, इसका नमक कड़ी के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो इसको ऐसे ही रोटी में, टमाटर के उसमें, भरता में या आलू में, किसी में भी लगा के डाल के खाओ तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। धनिया पत्ती की तो बात ही अलग होती है, हर चीज़ डाल के उसका स्वाद दोगुना कर देती है। सुबह से यहाँ पे मैं अपना धनिया पत्ती का नमक पीस लूँगी। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और आप लोग कैसे हैं मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो अपनी जो है शेयर किया कीजिए मुझे, और व्यूज़ का थोड़ा सा और है कि प्लीज़ जो है मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे जो है वीडियो बनाते बनाते। तो बस यहाँ पे मेरी थाली रेडी हो चुकी है, मेरी नहीं भैया की हो गई, उसको मैंने आज चावल नहीं दिए थे, और इसके बाद गए थे हम हॉस्पिटल, तो वहाँ की मैंने वॉइस बंद कर दी क्योंकि बच्चे पीछे से काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे, वरना फिर भैया से वहाँ पे मैं कुछ बातें कर रही थी, लेकिन मैंने वॉइस ओवर कर दी, कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी देखो बारिश हो रही है, कहीं से फिलहाल थोड़ी खुल गई है। अभी जस्ट हम आए हुए हैं हॉस्पिटल से, भैया अपनी दवाई करवा के, क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो अभी आए हैं जस्ट वहाँ से। तो उसको खाली दवाई हाँ, तो वाला उठा पैकेट
डॉक्टर्स यहाँ पे वो आके ले चुके हैं, और क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि उसका पेट दर्द हो रहा है काफ़ी दिन से। एक इसको खा लो। नहीं उन्होंने यहाँ पे तीन बने ना। हाँ ठीक है ठीक है। सो ये देखो डॉक्टर ने बोला है कि जो है UCG करवाना पड़ेगा क्योंकि पेट का दर्द काफ़ी दिन हो गया। एक बार पहले भी हम लोग देखवा के आ गए थे, उससे कोई आराम नहीं मिला, मतलब 4-5 दिन तक ठीक था। अभी फिर से वापस से पेट दर्द हो रहा। अच्छे से रख देना उसको फोल्ड करके और ले जाओ। और वॉमिट आ रही है साथ में, अभी तो कुछ खाता है तो तुरंत वॉमिट हो जाती है उसको, इसलिए जो है वो कर देंगे, UCG करवा लेंगे तो पता चल जाएगा कि पेट में क्यों इतना पेन है, क्यों ठीक नहीं हो रहा। आज बारिश बहुत ज़ोर की हो रही, तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पे डाले हुए सुखाने के लिए कि पंखे की हवा में सूख जाएंगे, अदरवाइज तो सूखेंगे नहीं। और मैं वहाँ पे काफ़ी देर बैठी हुई तो सूख गई हूँ, और आते टाइम बारिश थोड़ा सा रुक गई थी इसलिए, और यहाँ पर पूरा पानी टपक गया। कोई बात नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है तो वो तो होगा ही, है ना, कपड़े तो सुखाने ही पड़ेंगे। और मैंने बर्तन वगैरह भी नहीं धोए थे, कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ही जस्ट फटाफट जल्दी से चली गई थी, क्योंकि जैसे बच्चों की कोई तबीयत ख़राब होती है तो फिर अच्छा ही लगता है। और 8 दिन से ऊपर हो गया, स्कूल नहीं गया भैया, एक दिन गया था अभी, लेकिन हाँ 2 दिन गया, और कल से फिर वापस से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर पतिदेव बोले कि अभी नहीं भेजेंगे, तो यहाँ पर पानी पोंछ दूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैल गया है ना। सो UCG होगी तभी पता चलेगा कि क्यों पेट में दर्द हो रहा है इतना ज़्यादा, क्यों ठीक नहीं हो रहा दवाई खाने के बावजूद। एक दिन और जैसे कि मैं बताई थी कि हॉस्पिटल गए थे और आराम नहीं लगा, पता नहीं स्लाइड हो गया। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे बर्तन रखे हैं, लेकिन बाद में वॉश करूँगी अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करनी, क्योंकि बारिश में भीग गई हूँ तो ठंडी लगने लगी मुझे बहुत जोर से। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो शाम को मिलेंगे भैया की UCG कराने जाएंगे तब, अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे क्योंकि हॉस्पिटल जाके मैं थक चुकी हूँ, वहाँ काफ़ी टाइम लगा हम लोगों को 1-1.5 घंटे के करीब। और वैसे भी आज बारिश हो रही थी तो भीड़ बहुत कम थी, क्योंकि बच्चों वाले डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।